लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये साला बास्टर्ड रॉकी बच कैसे गया? आरडी साहब, न जाने साला कौन सी रोशनाई से तकदीर लिखवा के लाया है। मैंने एक्सीडेंट की इतनी धांसू प्लानिंग की, पर साला वार खा ले गया। वरना ऐसे एक्सीडेंट के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, मगर साला रॉकी का बच्चा जिंदा कैसे रहा? और जब तक रॉकी जिंदा है, रेनू तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली। शट अप! रेनू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं किसी भी हालत में उसको हासिल करके रहूंगा। एक्सक्यूज मी, रॉकी कौन से कमरे में है? थैंक यू। I hate RD. That's fine. पता है तुम्हें, तुम्हारी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो सब RD की चाल थी। वो तुम्हें जान से मारना चाहता था। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है कि मैं बच गया। I'm sorry यार। मुझे सॉरी कहने की क्या जरूरत है? अगर तुम वाकई सॉरी हो तो उस बाजार में जाओ और हीरा भाई से माफी मांगो। वो माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगा, और तब तुम खुद भी अपने आप को माफ कर सकोगी। ओके। आइए। बीबी, कुछ जगह ऐसी हैं जहां तवायफे नहीं जा सकती, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां शरीफजादियों को नहीं आना चाहिए। अब क्या कहने आई हैं आप? मैं उस रात के बिहेवियर पर माफी मांगने आई हूं। माफी? माफी काहे की? उस रात तुमने कोई गलत बात नहीं कही थी, एक एक लफ्ज सही था। हीरा देवी, बीबी, मुझे देवी ना कहो, बीबी कह के मेरा अपमान मत करो। मैं वेश्या हूं, वेश्या मानकर मेरी इज्जत करने की हिम्मत हो तो आओ मेरे गले लग जाओ। रोते क्यों हो मम्मी? आज तो खुशी का दिन है, रॉकी हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं। रॉकी को अपना माँ मिल गया सिंथिया, वो अपन लोग को छोड़ के चला जाएगा तो। कैथी, सिंथिया, देखो कौन आया। रॉकी भैया। हमारा रॉकी। राकेश बेटा, हमने इतना दिन तुम्हारा असली मम्मी को तुमसे छुपाया, हमको माफ कर दो। बेटा, हम तुम्हारा डैडी नहीं है, हम अंकल है तुम्हारा, और कैथी तुम्हारा मम्मी नहीं, आंटी है। मैं रॉकी डिसूजा हूं और रॉकी डिसूजा ही रहूंगा। हाँ डैडी। रॉकी, रॉकी माय सन, माय सन रॉकी। Rocky! Hi!
करेगा। बोलो अरे। पार्वती बहन, रामावतार जी, आप भी कमाल हैं पार्वती बहन, कहाँ गायब हो गई थी आप? मैं अपने बेटे रॉकी को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। बेटा इन्हें नमस्कार करो। जीत रहो बेटे। और रेनू बेटे, तुम यहाँ कैसे? अरे आप नहीं जानते, रेनू और रॉकी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। हम लोग भगवान से आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि दोनों की शादी जल्दी से हो जाए। आखिर मुझे ये कोई क्यों नहीं बताता कि रॉकी है कौन? जीत साहब, ये उसी मजदूर नेता का बेटा है जिसका नाम शंकर था और जिसे आपने आज उसकी विधवा पत्नी पार्वती मुझे मंदिर में मिल गई थी। उसके साथ रॉकी और रेनू भी थे। उसी ने मुझे कहा इन दोनों की शादी होने वाली है। तो रॉकी पार्वती का बेटा है? जी हाँ। अडे बेटे, ये हिसाब तुम साफ नहीं करोगे, ये मेरा हक बनता है क्योंकि ये रॉकी मेरी कहानी का एक हिस्सा है और इस कहानी को मैं ही खत्म करूंगा। कौन है तुम लोग? आंटी, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मालूम है रॉकी की माँ ने मुझे यूं गले लगाकर कहा, बेटी अब रॉकी से शादी करके जल्दी अपने घर आ जाओ, रॉकी ये खुशखबरी हीरा देवी को सुनाने गया है। और वो जो उसके दोस्त है ना आंटी, क्या बात है आंटी, लगता है आप मेरी खुशी से खुश नहीं हुई। रेनू बेटी, वो नौकरानी है, मेरे खुश होने के बाद खुश होगी। तुम बड़े धूमधाम से अपने घर जाओगी। तुम्हारी शादी रॉकी से नहीं, मेरे बेटे आड़ी से होगी। अंकल, हरगिज नहीं। हाँ बेटी, और तुम्हारी हीरा देवी को मैं खुद इनवाइट करूंगा। क्यों ना बता? जीत साहब, आपका हुकुम कौन टाल सकता है? मैं आड़ी से शादी कभी नहीं करूंगी। शादी करूंगी तो रॉकी से, वरना जान दे दूंगी। मेरे मरने के बाद मेरी लाश से आड़ी की शादी करना। आड़ी बेटे, बच्ची बात तो ठीक कहती है, इसकी लाश के साथ तो तुम्हारी शादी हो नहीं सकती। तब तो इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है और इसकी जगह मरने के लिए किसी और का बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या? यस डैड। अगर तूने आरडी से शादी ना की तो मैं उन दोनों माओं को मारने से पहले रॉकी की बहन को अपने इन आदमियों के हवाले कर दूंगा। नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मामा, मामा, नहीं, 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 छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो, छोड़ दो मेरा बेटा, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, लेकिन ऐसे खुशी के मौके पर रोया नहीं करते। आड़ी बेटे, यस डैड, अपनी होने वाली पत्नी के आंसू पोछो। श्योर। और यह है एक लीगल डॉक्यूमेंट कि तुम अपनी मर्जी से आड़ी के साथ शादी कर रही हो, और अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरा मतलब है शादी के बाद, तो तुम्हारी सारी जायदाद आड़ी को मिले। आड़ी ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो प्लीज। Get it set. राम अवतार, ये खून कैसा है? ये खून रेनू के पिता का भी है और
और रॉकी के पिता का भी। ये खून लाजवंती उर्फ हीराबाई यानी कि मेरी बेटी का भी है। ये वो खून है जो तूने किया है। इस खून को धोने के लिए मुझे तेरे खून की जरूरत है जेडी सेठ। कौन हो तुम? रॉकी। तो तू है रॉकी? हाँ मैं हूँ रॉकी, तेरी मौत बन के आया हूँ। शंकर के पिल्ले, तू क्या मेरी मौत बनेगा? जेडी हमेशा दूसरों की मौत बना है। आज मैं तुझे अपनी रिवॉल्वर की गोलियों से भून के रख दूंगा। तेरी गोलियों में इतना दम नहीं है सेठ कि रॉकी का सीना छलनी कर सके। तेरा निशाना तो बहुत ही खराब है सेठ। निशाना इसे कहते हैं बास्टर्ड। छोड़ दे वरना तेरी बहन की गर्दन काट डालूंगा। तेरे को तो अपन गोली बन मार सकता है पर तेरे लिए अपना बेटा रॉकी बहुत है। ऐसा नहीं बॉय, तू उधर से शुरू रहे, अब और ये बाजू से चालू हो जाता है। Thank you.
अभी फैसला कहाँ हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, ऐसा गंदा जलील आदमी को फांसी देना, फांसी। चलिए जेडी साहब। इंस्पेक्टर साहब, खाली हाथ मत जाइए। यह है जेडी सेठ का बेटा आरडी, जैसा बाप वैसा बेटा। वाह मेरा बेटे। अरे अपन तो समझा था अपन कहानी खत्म करेगा, कहानी तो तुमने फिनिश कर डाला।